क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 5 डिफरेंसिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी आपका चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में आप एक्सरसाइज 5 जी पा रहे, 31वां क्वेश्चन है। इसमें चैन रूल से हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब ए एक्स प्लस बी, ये हमारा क्वेश्चन हमने लिखा है। साइन ए एक्स प्लस बी पूरे की पावर है 3, तो इसको इस तरीके से लगाओगे जैसे डी वाई डी एक्स निकालना हो, मैं एक्स की पावर है एन, एक्स की पावर एन माइनस वन फार्मूला हो ऐसा, तो हम इसको एक्स सोच के दिमाग में एक्स की पावर 3, तो इस तरीके से करेंगे 3 आगे और इसकी पावर 3 माइनस वन, फिर जहां एक्स है कंपोजिट फंक्शन होने की वजह से उसकी जगह रखा क्या साइन ए एक्स प्लस बी, इसका भी डिवाइड एक्स करेगा ना, तो 3 यहाँ पावर है कि 2 साइन एक्स का कोस एक्स, अब एक्स की जगह क्या रखा ए एक्स प्लस बी, तो उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 ये साइन स्क्वायर जुगा तू कोस ए एक्स प्लस बी जुगा तू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स का 1 बी का 0, तो आंसर आ गया आपका 3 और ए 3 ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, जो हमने डिवाइड एक्स बार बार लिखा डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे y इज इक्वल टू log log cos x। अब इसको आप दिमाग में सोचिए log x है, तो अगर आपका फार्मूला dy dx हम log x निकाल लें तो आपका फार्मूला है 1/x, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे आप देखेंगे शुरू में क्या लिखना फंक्शन log, हमें डिफरेंशिएट करना log और ये कुछ ही हो इसको x सोचेंगे दिमाग, तो dy dx इज इक्वल टू log x का 1/x, x की जगह ये पूरा है ये पूरा आ गया। अब नेक्स्ट वाले फंक्शन पर आओ, नेक्स्ट फंक्शन फिर दोबारा लॉग कोस एक्स है, इसे फिर लॉग एक्स सोच के लॉग एक्स का क्या होगा 1/cos x, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट में क्या फंक्शन आया आपका कोस, कोस का डिफरेंशिएट होगा माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस का साइन एक्स बटे कोस एक्स हो गया माइनस का टेन एक्स, बच जाएगा लॉग कोस एक्स, तो डायरेक्ट ही तो होना चाहिए। अब आगे हम 35 y इज इक्वल टू log 10, ये एक log का फंक्शन है उसके अंदर फिर 10 का फंक्शन है, 10 के अंदर फिर पाई बाई 4 प्लस x, ये तीन कंपोजिट फंक्शन है, तो dy बाई dx करेंगे इसको log x सोच के करेंगे log x का 1/x ये पूरा, फिर dy dx करेंगे 10 के हिसाब से, 10 का dy dx 10 10 x सोचो इसको sin स्क्वायर x आ गया, फिर x की जगह क्या करना पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का भी डिफरेंस करेंगे, तो 1 अपॉन 10 तो बन गया 4 sec स्क्वायर जुगा 2, इसका होगा 0, इसका आ गया 1/2, तो 1/2 शुरू में लिखा हमने, sec स्क्वायर का cos स्क्वायर लिखा, cot को लिखा cos / sin में और cos से cos कट गया, तो नीचे कब आ गई 2 sin 5/4 + x/2 cos 5/4 + x/2 2 sin a cos a sin 2 का फर्क लग गया, इस 2 की इस ब्रैकेट में अंदर गुणा कर दी 2π/4 2x/2 ये कट गया साइन 90 प्लस एक्स आ गया आपका, तो ये हो गया कोस एक्स, अब कोस 1/ कोस एक्स हुए सेक एक्स, तो इसका आंसर आ गया सेक एक्स इसका आंसर। तो इस एक्सरसाइज का फोटो मैं आपको भेजा, आप इसके 35 का क्वेश्चन करिए करिए, ये दिया आपको कौन सा 31 34 नीचे क्वेश्चन करिए, इसके आगे के क्वेश्चन मैं कल को बताऊंगा, और इसको काम को पूरा करिए और अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की वीडियो प्राप्त होती रहे।